Hi guys, Tanmay this side from Cooking Baji with Mama. Hello everyone. आज बारिशों की स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं क्या? चटपटे मसालेदार मूंग दाल के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। रेसिपी देखो और जैसी पहली बारिश आए खा लो। बारिश में, सर्दियों में कभी भी खाओ, एंजॉय करो, दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। लेट्स बिगिन। इसमें हमने सबसे पहले ये मूंग धुली की दाल ली है। इसको अच्छे से 3-4 बार धो के, जब तक कि वाटर क्लियर ना हो जाए, उसके बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है। अच्छा, अगर हमें जल्दी है बनाने की तो नो प्रॉब्लम, भिगोने की भी जरूरत नहीं। 15-20 मिनट में आप गर्म पानी में भिगो दो तो भी हमें रिजल्ट आ जाएंगे। अब इसमें जो चीजें डालनी है, 2 प्याज है, अदरक है, जितना भी आपका मन हो, ये 2 इंच का टुकड़ा है अप्रोक्सीमेटली, ये लहसुन है 3-4 चूड़ियाँ जितनी भी डालनी है, मेरी मोटी वाली है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, जितना आपको तीखा पसंद है, मैं 2 डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे, और हाँ कड़ी पत्ते, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम ये सारी प्रेपरेशन करके रखते हैं और फिर मिलते हैं। चलो, ये हमने मूंग दाल का बैटर हमने पीस लिया है। अच्छा, इसका भी टेक्सचर ना थोड़ा दरदरा रखना है, इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इस चीज का ध्यान रखना है, और पानी कम से कम जितनी जरूरत है उतना डालना है। अब इसमें हम अपनी सारी चीजें मिक्स करेंगे। ये सारी चीजें हमने काट ली हैं। प्याज सबसे पहले डालेंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और धनिया। अब इसके साथ हम बाकी मसाले डालते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी कलर के लिए, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला डाल दो, नींबू भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि नमक हमें बिल्कुल एंड में डालना है, क्योंकि अगर हमने अभी नमक डाल दिया तो वो प्याज के साथ मिलकर पानी छोड़ देगा, तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। इन द मीनवाइल हमने तेल भी चढ़ा दिया है। चटनी का भी सामान हम अभी रेडी कर रहे हैं। जब तक तेल हो रहा है मैं चटनी के बारे में बता रही हूँ। चटनी में हम लेंगे थोड़ा सा पुदीना, जितना भी मन है, धनिया। पुदीना और धनिया का रेशो ऑलमोस्ट आप रखो, मतलब 3 बड़े-बड़े चम्मच समझ लो, या 1:1 टाइप का। हाँ, इस टाइप से। और 5-6 लहसुन की तुड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं इसमें, और अदरक जितना भी डालना है, ये मैंने इतना जो छोटे छोटे पीस लिए हैं, 3 इंच के आसपास अदरक, और ये हरी मिर्च मैंने 3 ली हैं। अच्छा, ये जो है 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे जो चने भुने हुए होते हैं, इसको पीस के, इसके साथ भी पीस सकते हो, पर मैंने पहले ही पीस के रखा हुआ है तो ये भी साथ में डलेगा। अब इसके साथ जाएंगे मसाले और एंड में जाएगा नमक। अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और ये नमक मैंने दोनों लिए हैं, मतलब 1/4 टीस्पून सेंधा नमक लिया और 1/4 टीस्पून काला नमक लिया, दोनों का फ्लेवर आता है। और लास्ट में इसमें हम 1 नींबू इसके साथ ही मिक्स कर देंगे, और अब इसको पीस देना है बस। हमारी नहीं, आपने सेंधा नमक ही डालना है, हम घर में सेंधा नमक खाते हैं, आप नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हो। हाँ, अब इसको पीस देना है और हमारी चटनी हो जाएगी रेडी, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। चलो, चटनी हमारी हो गई है रेडी। वाओ, बहुत अच्छी बनी है। इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए चटनी का, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, दरदरा सा टेक्सचर, दरदरा सा। तेल हमने कैसे, किस गैस पे रखना है? फ्लेम मीडियम पे? मीडियम पे रखना है। अब इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला है, बस हमें नमक डालना है और फ्राई करना शुरू करें। यस, बड़ी सिंपल रेसिपी है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, दाल भिगो के रखनी है, दाल भिगो के रखनी है, और अगर भूल भी जाओ तो मैंने जैसे बोला है 15-20 मिनट आप गर्म पानी में भिगो सकते हो, थोड़ी सी हींग, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल एक पिंच, और क्रिस्पी करने के लिए बेकिंग सोडा, ये ऑप्शनल है, अगर डालना डाल दो, लेकिन ये अच्छा लगता है, इससे थोड़े क्रिस्प बनते हैं। 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 पिंच। अब करेंगे मिक्स,
और एक टेस्टिंग बैच डालेंगे। और ये बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर पूरा बैच बनाना है। चलो टेस्टिंग बैच थोड़ा सा हम लेंगे। हाँ, अगर ये तो ऊपर आ रहा है इसका मतलब तेल हो गया है, लेकिन एक चीज और देखना है कि ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, ब्राउन होना चाहिए। अब देखो ऊपर आया है बट अभी पूरा पका नहीं है, इसको दो मिनट लगे, कुछ सेकंड लगेंगे पकने में। तो एक, अब हाँ, अब हम इस टाइम पे हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा ऐसे हाथ करके छोटे थोड़े डालने, ज्यादा बड़े नहीं डालने, और ऐसे इस अंगूठे से आपको छोड़ना है साइड से बहुत केयरफुली। ये देखो 50% हो गए हैं, अब हम निकाल देंगे। ये अभी पूरी तरह से पके नहीं है, ये इसको अंदर से पक गए हैं, इसकी बाहर की कोटिंग सेकंड फ्राई पे निकालेंगे। अभी इसको क्रिस्प करना बाकी है हमें, और इसी तरह से हम सारे अपने पकौड़े निकाल लेंगे। बस इसका एक चीज का ध्यान रखना है कि ये ओवर क्राउडेड नहीं करने हैं, और जब पकौड़े डालने के बाद थोड़ी अपनी शेप ले लें, अच्छी तरह फॉर्म ले लें, उसके बाद आपने इसको हिलाना है। ये हमने 50% 60% कुक करके रख लिया। अब इसको गैस को मीडियम हाई करके अब हम इसको दोबारा से करेंगे। आप चाहो तो एक बार भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप दोबारा से ऐसे सेकंड टाइम करोगे ना तो बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, और अब काफी सारे आप डाल सकते हो, अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। गैस हमारी अब मीडियम से हाई होगी। अब जितने आपने करारे करने हैं आप उतने कर सकते हो। ये वाला स्टेप सिर्फ तभी करो जब आपको क्रिस्पी खाने हैं, ज्यादा वो हाँ। फर्स्ट फ्राई में भी पक जाते हैं, बस थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ता है उसको, बट ये हाँ, एकदम क्रिस्पी रहते हैं, थोड़ी देर तक भी रहते हैं। और वैसे भी इनका ना इसमें जो हम लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची वो काट के डालते हैं ना, उनसे इसका बहुत ही टेक्सचर अच्छा आता है पकौड़ों का। बस दो मिनट भी नहीं लगते लास्ट में सेकेंड फ्राई में, और जैसे ही ये निकालेंगे साथ ही हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला गरम गरम में डाल देंगे। हमारा सारे बैच निकल गए, गैस बंद करके तेल बहुत गरम है। अब ये हमने मिर्ची ली है, ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। बीच में से एक स्लिट लगाना है, स्लिट लगाना इसलिए जरूरी है नहीं तो मिर्ची फट जाएगी। और मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ है, हल्का सा स्लिट लगा दो कैसे भी लगा दो। मम्मा आप कैमरा कॉन्शियस क्यों हो रहे हो, क्योंकि कुकिंग बाजी वाले सब्सक्राइब नहीं कर रहे अभी तक। हाँ ये भी बात है भाई, सब्सक्राइब करो भाई, आप पकौड़ों की कसम आपको सब्सक्राइब करो। टेस्टी सिंपल तरीके से मम्मा आपको रेसिपीज बताती है, डू सब्सक्राइब। बस ये इसको ऐसे डाल दो, लेकिन हमेशा इसको जब मिर्ची का काम करो थोड़ा दूर हो जाओ, ज्यादा इसको तलना नहीं है, बस हल्का सा, ये वैसे ही अच्छी लगती है। चलो इसके ऊपर आएगा नमक, जब भी मिर्ची फ्राई करो नमक डालो, आया है मजा आता है। और ये हम लोग दो मिर्ची लेके इधर प्लेटिंग मार देंगे ऐसे, और ये ऐसे। ये बनके रेडी है आपके पकौड़ा बास्केट। इसको आप मानसून में खाओ, गर्मियों में खाओ, सर्दियों में खाओ, जब मन करे तब खाओ, बट सो डिलिशियस। टाइम टू टेस्ट, खाते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी मूंग दाल के पकौड़े। ये पकौड़े को इस चटनी के साथ पेयर करो और बारिशों में एक चाय का ग्लास ले लेना, अगर मज़ा ना आए, आएगा, मज़ा आएगा, ये बातें ही नहीं करनी, मज़ा आएगा। और अपने कुकिंग बाजी को तब सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे DM करके फोटो भी भेजनी है कैसे आपने पकौड़े बनाए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे अपने फीडबैक्स देते हो, तो दिल से बनाओ सबको खिलाओ इसलिए ज्यादा बनाओ। बाय 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 बाय, टेक केयर ऑल।